बाराबंकी में शनिवार की देर रात पयामे अमन शहनशाहे तरन्नुम डॉक्टर सागर आजमी की याद में छठा अजीमो शाह ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उर्दू और हिंदी जुबान के कई नामचीन शायरों ने अपने कलाम पेश किए। और इस सम्मेलन में सहारा इंडिया मीडिया के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी की साझी विरासत अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। कि अब मुझे अपनी पजीराई से डर लगता है, अब मुझे अपनी पजीराई से डर लगता है, इतनी शोहरत को तो रुसवाई से डर लगता है। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया, ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया, माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया। साझी विरासत की छठी पेशकश पयामे अमन शहनशाह तरन्नुम डॉक्टर सागर आजमी की याद में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें मुनव्वर राणा, अंजुम रहबर, कवियत्री भुवन मोहिनी, मोहतरमा नीसम गोपालपुरी, कवि विष्णु सक्सेना सहित कई जाने माने शायरों और कवियों ने अपना कलाम पेश कर न सिर्फ मुशायरे में समा बांधा बल्कि खूब वाहवाही भी लूटी। बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में सहारा इंडिया मीडिया के सीईओ व एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी को साझी विरासत अवार्ड से नवाजा गया। कि धुआं धुआं सा शहर में सन्नाटा सा क्यों है, अगर सब कुछ आदमी है तो विधाता फिर क्यों है, मंदिरों मस्जिदों ने किसके दिन बदले हैं, फिर इन्हें कोई गिराता और बनाता क्यों है, हुकूमत से सबको शिकायत सी रहती है, फिर ऐसी हुकूमत कोई बनाता क्यों है, मैं गिनकर लेता हूं न गिनकर देता हूं, वो रोज नए रिश्ते बनाता और मिटाता क्यों है, मेरा गांव शहर से रोज लड़ता है, मेरा गांव शहर से रोज लड़ता है कि वो मेरे कच्चे घर गिराता क्यों है, साझी विरासत ने आज मुझे इस मन से जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं साझी विरासत के आयोजकों का, बाराबंकी के आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने किया, जबकि बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने शिरकत की। बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकार रजा मुराद ने खास मेहमान के तौर पर शिरकत की। कि चमन में इत्तला रंगों से बात बनती है,
चमन में इख्तलात रंगबू से बात बनती है, हमें हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या है। एक बड़ी अपनाइयत मिलती है यहां आकर, सब अपने से लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो साझी विरासत है, कवि सम्मेलन भी है और मुशायरा भी है, इससे बड़ी आप उसे नेशनल इंटीग्रेशन कहें, बाहमी यकजहती कहें, इससे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। तू अगर खुददार है मिन्नत कशे सफीना, ऐन दरिया में हवा बासा नहूं पैमाना कर, कैफियत बाकी पुराने ओह सहरा में नहीं, है जुनून तेरा नया पैदा नया वीराना कर। सांची विरासत ये हमारा जुनून है और हम इसके बिना नहीं रह सकते और हम ऐसे ही रहे। जुड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया और एक बदल के पीछे ये कि मसरतों के सदाने ही कम निकलते हैं, मसरतों के सदाने ही कम निकलते हैं। किसी भी सीने को खोलो तो कम निकलते, मसरतों के खजाने ही कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो हम निकलते हैं, और हमारे जिस्म के अंदर की झील सूख गई, इसीलिए तो आंसू भी कम निकलते हैं। हमारे जिस्म के अंदर की झील सूख गई, इसीलिए तो अब आंसू भी कम निकलते हैं। और ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो, यहाँ जमीन से पत्थर भी नम होता है। ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो, यहाँ जमीन से पत्थर भी कम निकलते हैं। आश्चर्य कि जहाँ से हमको गुजरने में शर्म आती है, जहाँ से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी से शमा रोशन करने के बाद मुशायरे का जो आगाज हुआ वो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी रात चला। क्या कहा, अब भी मुझे दिल में बसा रखना है, क्या कहा, अब भी मुझे दिल में बसा रखना है, छोड़िए छोड़िए इन बातों में क्या रखा है, छोड़िए छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। एक मतलब ये है कि दुनिया की बात छोड़िए, आधा पढ़ रहा हूं, दुनिया की बात छोड़िए, अपना नहीं हुआ दुनिया की, पहुंच गए आप लोग कि दुनिया की बात छोड़िए, दुनिया की बात छोड़िए, अपना नहीं हुआ उसको किसी से इश्क़ दोबारा नहीं हुआ, मुझसे बिछड़ के वो भी किसी का नहीं। हमारा यूं मत क्या है कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जी के जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुनेरों पे भी रखेंगे,
दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देता। अब यार अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा, अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी पे फेसबुक पर कावा भी फिर अब तो किसी के दिल में मजहब नहीं बचा है। काशी पे फेसबुक पर कावा भी फेसबुक पर अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं अपनी इबादतों को हम भी दिखा रहे हैं। बकरा भी फेसबुक पर, घोड़ा भी फेसबुक पर।